नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाखड़ा नंगल बांध जिससे 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी छोड़ा गया, सतलुज नदी दिल्ली सतलुज ने अपने किनारों को तोड़ दिया और पानी रोपड़ के शहर में कई गांव में हजारों लोगों को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। बताया जा रहा है कि 238 गांव में बाढ़ का खतरा इस समय बना हुआ है। पूरे प्रांत में शनिवार से काफ़ी बारिश हुई जिसका असर दूसरे दिन दिखाई दिया। हिमाचल में भी दो दिन से लगातार बरसात हो रही है जिसके कारण भाखड़ा, रणजीत सागर, पोंग डैम तथा चंबा में चमेरा डैम ओवरफ्लो होने के कारण पानी छोड़ा गया जिसके कारण सबसे ज़्यादा रोपड़ प्रभावित हुआ। इतना ही नहीं, 3 दर्जन गाँव समेत आधा शहर पानी में पूरी तरह डूब गया। रोपड़ व आनंदपुर साहिब के बीच में ट्रैक खिसकने की वजह से 12 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई। इसमें मरने वालों की संख्या अब तक 6 बताई गई है और लुधियाना में बूढ़ेवाल की एक लोहा फैक्ट्री में बारिश की मशीन के कारण करंट आ गया, वहां पर भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा अमृतसर के कुतिवाल में फंसे 34 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। वहीं सतलुज में 2,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके अलावा रावी में 1,00,000 क्यूसेक पानी आया है। वहीं 51,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान की ओर छोड़ा गया है। रोपड़ और आनंदपुर साहिब में हजारों एकड़ फसल डूब गई। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। ਜਿਹੜੀ ਖੈਰਾਬਾਦ ਨਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਨਦੀ ਟੁੱਟੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਨਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਦੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਅ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖੈਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖੈਰਾਬਾਦ, ਬੁੱਢਾ ਭੋਰਾ, ਫੂਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਓਕੇ। ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਵਾ ਖੈਰਾਬਾਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਗਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ।